तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर विंडोज़ 11 को यूज़ करते हैं तो उसमें एक बग वगैरह आया हुआ है, ठीक है। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है वो क्रैश होना शुरू हो जाता है खुद से, ठीक है। ये जो डेस्कटॉप वगैरह की चीज़ें हैं सब कुछ जो होता है ना ये गायब होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है इधर विंडोज़ पर, राइट क्लिक करना है, ठीक है। टास्क मैनेजर में जाएंगे हम लोग, फिर जाने के बाद आपने नीचे यहाँ पर ये ढूंढ लेना है विंडोज़ एक्सप्लोरर, आपका नीचे भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से मेरा ये आ रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करके आपने रिस्टार्ट कर लेना है इसको, ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। अगर इससे आपका जो मसला है थोड़ी रहा उसके बाद आप चलाएंगे, अगर हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं हल होता तो उसके बाद मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक और, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, ठीक है, सर्च से। तो अभी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बग इसमें बहुत है विंडोज़ में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपने टाइप कर लेना कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल सर्च में लिख लें और इंटर मार दें, और यहाँ पे ऊपर जाके आपने सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप आ रहा है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अगर कोई केसेस में आपका बहुत चीज़ें पड़ी हुई ना तो आपने यहाँ से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्लियर करने के बाद आपका ये फिक्स काम कर सकता है, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं करता तो उसके बाद आपने CMD खोल लेना सर्च से, सही है, CMD टाइप करें और यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करें, ठीक है। इसके बाद करने के बाद यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना SFC/scan now, ठीक है। ये आपने टाइप करके जस्ट इंटर मार देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये टाइम लेगा तो आपका जो भी मसला वगैरह होगा ना विंडोज़ एक्सप्लोरर का क्रैश होने का वो फिक्स कर देगा आपके लिए, और आपका जो विंडोज़ 11 होगा वो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो बग वगैरह है उसका चला जाएगा, तो आपने इस तरह से इसको कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। अगर ये भी काम नहीं करता तो इसके अलावा मैं एक और फिक्स भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने ये कर लेना है, इसको पहले कंप्लीट होने देना है, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं चढ़ना, इसको 100% होने देना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो है ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने भी इसको कंप्लीट होने देना, ठीक है। इसको कंप्लीट होने देने के बाद आपने ये कर लेना, इसको क्लोज कर लेना। अगर इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आपने यहाँ पे जाना है दोबारा से विंडोज़ पे, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक करना है, विंडोज़ टर्मिनल एडमिन पर क्लिक कर लेना, ठीक है, और यस कर देना। तो एक कमांड होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है, टेक्स्ट हो तो उसने उसको ना आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसको कॉपी करके जस्ट वहाँ पर पेस्ट कर देना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। मैं कंट्रोल वी मार रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने मार लेना, उसके बाद आपने इंटर दबा देना जस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई भी मसला वगैरह आपके अगर विंडोज़ 11 में है ना तो ये फिक्स कर देगा, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होगा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपका मसला वगैरह था कोई इमेज के अंदर विंडोज़ इमेज के अंदर, तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेना, तो जो मसला वगैरह आ रहा था ना आपका क्रैश वाला विंडोज़ एक्सप्लोरर जो क्रैश हो रहा था, तो वो मसला वगैरह आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिस्टार्ट वगैरह करके इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ठीक है। और नीचे कोई भी मसला आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।